वाह वाह वाह, क्या मस्त जाल बिछाया है रे बाबा। तो जी हाँ गाइस, जब आप अपने स्टार मेकर की आईडी पे जाते हैं और फिर वहाँ पर आप मैसेज वाले ऑप्शन पे जाते हैं, उसके बाद में आप जाते हैं सिस्टम वाले ऑप्शन पे। जब आप सिस्टम वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको एक बहुत ही मन मोह लेने वाला मैसेज मिलेगा, ऑफिशियल वेरीफाइड सिंगर्स कॉम्पिटिशन। डियर यूजर्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर दिस इवेंट। दिस इवेंट विल लास्ट अंटिल 31 मे, विल होल्ड द ऑफिशियल फाइनल। मतलब आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा ये आपको मैसेज दिखेगा जिससे आपको लगेगा ओ वाओ, स्टार मेकर ने हमारे बारे में कितना सोच लिया है और अब तो हमें वेरीफाइड सिंगर का टैग मिल ही जाएगा और आप एकदम खुशी से झूमने लगोगे, जैसा कि हर यूजर के साथ होगा जिसके की पास वेरीफाइड सिंगर का टैग अभी तक नहीं है और वो डिजर्व करता है अच्छा गाना गाता है, क्योंकि उसका रोज ही खून जलता होगा किसी ऐसे वैसे गाने को देख कर, किसी को ऐसे वैसे गाते हुए को देख करके कि वो अच्छा नहीं गा रहा है फिर भी उसको वी टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो स्टार मेकर ने बहुत ही बढ़िया जाल बुना है और इस जाल में उसको सफलता भी मिलने वाली है। वो मैं बताती हूँ आपको कैसे। आप देखिए, जब आपको ये ऑफिशियल मैसेज दिखता है तो आप जाहिर सी बात है बहुत खुश हो जाएंगे और इसके बाद में आपको फिर जब आपको डिटेल में गाइस जाना है आपके, इसमें मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताती हूँ कि ये है क्या। ठीक है, आखिर स्टार मेकर ने क्या किया है गाइस, इंडिया से विड्रॉ का ऑप्शन खत्म कर देने के बाद, यानी लेन देन वाला जो भी हिसाब किताब है, व्यापार पूरा इंडिया से खत्म कर दिया गया है, विड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं आता है, सिर्फ एक ऑप्शन आता है वो भी एक्सचेंज क्वाइन का। यानी इंडिया वाले मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, वो अपने क्वाइंस खरीदें अपने पैसे दे करके अपनी ब्रॉडकास्टर को गिफ्ट करें और उसके बदले में जो जिसको वो गिफ्ट कर रहे हैं उसको वो कुछ नहीं मिलना है, ना ही कोई सैलरी आनी है और ना ही कोई उसको विड्रॉ करने का कुछ मिलना है। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर आपको गाने गाने का शौक है तो आप पैसे भी लगाइए। यहाँ पर इन्होंने ये काम किया है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करना चाहा है गाइस, मैं आपको पूरा डिटेल बताती हूँ कि इसमें आखिर आप लोग को क्या रूल्स बताए हैं और आपको क्या करना है। वैसे मैंने सोचा था स्टार मेकर से रिलेटेड जितने भी अब होंगे मैं लाइव करके बताऊंगी, मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि अब स्टार मेकर में गाइस आप लोग गाने गाओ एंजॉय करो वही बहुत है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना सरासर बेवकूफ़ी है जब आपको उसके रिवर्ट में कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहां पर आपको पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। तो गाइस जैसे ही हम अपनी स्टार मेकर की आईडी पर आते हैं और उसके बाद में हम उसको स्क्रॉल करते हैं तो एक आता है ऑफिशियल वेरीफाइड सिंगर कॉम्पिटिशन बैनर आता है। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं अब ये बैनर आता है, बहुत ही सबको बहुत अच्छा लगता है। फिर बैनर पे हम स्टेप 1 देखते हैं कि इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मतलब नो लेस देन 5K फॉलोअर्स, 5000 फॉलोअर्स से आपके कम ना हो, एटलीस्ट 5 पिक्चर्स इन योर एल्बम, यानी आपके स्टार मेकर की आईडी में आपके खुद की 5 पिक्चरें होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 रिकॉर्डिंग एंड 5 वीडियो रिकॉर्डिंग्स, 5 आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और बाकी 30 आपकी ऑडियो भी चल सकती हैं और आपके 5K प्लस स्टार्स होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं वेरीफाइड सिंगर बनने के लिए। स्टेप 2 आता है, ज्वाइन एनी ऑडिशन हेल्ड बाई लेवल 3 प्लस रूम ओनर्स, यानी जिसका भी लेवल 3 है जिस भी रूम का आप कहीं भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप 3 जो है वो आपका यहाँ पर आपको बताया गया है। स्टेप 3 है, ज्वाइन द फाइनल कॉम्पिटिशन हेल्ड इन ऑफिशियल पार्टी रूम, 50% स्टार्स एंड 50% सिंगिंग स्किल, वी विल अनाउंस द रिजल्ट एवरी वीक, गुड लक। यानी स्टेप 3 में जो है इनका सारा झोल कर दिया गया है कि 50% आप अगर यहाँ से पड़ाव पार करके चले जाते हैं, आप किसी भी लेवल 3 के पार्टी रूम में आप पड़ाव पार कर लेते हैं, वो 3 मेंबर चुनता है उसमें आप वो पड़ाव पार कर लेते हैं वहां तक तो ठीक है, वो आपका जानने वाला या जो है वो आपको भेज ही देगा। ठीक है, और उसके बाद में जब वो ओनर आपका 3 नाम रिकमेंड करेगा और वो जब फाइनल आपको सिलेक्शन करेंगे तो वहां पे उन्होंने साफ लिख दिया है कि 50% स्टार्स एंड 50% सिंगिंग स्किल, यानी आपको जो उस रूम पे गिफ्टिंग होगी उसका 50% देखा जाएगा और 50% आपकी सिंगिंग स्किल्स देखी जाएंगी। यानी स्टार मेकर जैसी एप्लीकेशन जिसमें कि आपको सिंगिंग की ही वैल्यू होनी चाहिए, जो कैरियोके एप्लीकेशन है उसमें भी वो 50% आपको देखेंगे कि आपको कितना क्वाइन मिल रहा है, गोल्ड क्वाइन किसी में उनका फायदा है और आपको 50% स्किल देखेंगे। ये नहीं कि 70% आपकी स्किल देखते, 30% या 80% आपकी सिंगिंग स्किल देखते और सिर्फ 20% रखते ये स्टार्स का तो भी अच्छा लगता, लेकिन 50-50 इन्होंने डिवाइड कर दिया है वेरीफाइड सिंगर देने के सिंगर बनने के लिए, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्योंकि बहुत ही बड़ी ये साजिश इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में इंडिया से बहुत ही कम गिफ्टिंग होने लगी है जब से विड्रॉ का ऑप्शन चला गया है। तब भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि रिचार्ज कैसे करें और मैं उनको कमेंट बॉक्स में बता देती हूँ क्योंकि वो मेरा फ़र्ज है बताना।
तो गाइज यहाँ पर देखिए फ्रॉम रूम ओनर्स के लिए क्या है, द रूम ओनर शुड होल्ड एन ऑडिशन इन हिज रूम रिकमेंडेड 3 सिंगर। उसको अपने रूम में ऑडिशन करना है, रूम का क्या टाइम है, क्या है, कितने बजे करेगा, वो सब ऑफिशियल्स को बताना है। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना नीचे रजिस्टर, इसको इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब हम अगर मैं भी चाहूँ तो मेरा भी रूम 5 लेवल का है, मैं भी जाके इस फॉर्म को भरूँ और रजिस्टर कर दूँ कि मैं भी अपने कॉम्पिटिशन करवाऊँगी अपने रूम में, और रूम कंपटीशन कराने के बाद में मैं मतलब आपको रिकमेंड करके दूंगी, ठीक है। तो यहां से रजिस्टर हो जाएगा। और क्या है, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स एसएम विल होल्ड एन ऑफिशियल वेरीफाइड सिंगर कंपटीशन एट 8 PM एवरी फ्राइडे, यानी 8 बजे हर फ्राइडे को जितने भी मेंबर्स पार्टी रूम के चुन के देंगे उनका वो क्या करेगा, एक कॉम्पिटिशन कराएगा जिसमें कि 50% स्टार्स और 50% आपकी सिंगिंग स्किल्स देखी जाएंगी। Among them the star value and score of professional judges account for 50%, ठीक है। और यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, द रूम ओनर शुड होल्ड एन ऑडिशन इन हिज रूम द रिकमेंडेड 3 सिंगर्स ओनली, ये भी मैंने बता दिया, ओनली सिंगर्स हु हैव मोर देन 5K फॉलोअर्स। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो मैंने आपको शुरू में ही बता दी है। द रूम ओनर शुड फिल इन द फॉलोइंग लिंक टू इन्फॉर्म द ऑफिशियल ऑफ द ऑडिशन, यानी ये जो ऑडिशन आपका रजिस्टर पूरा आपको बताना पड़ेगा उसमें, और टाइम देना पड़ेगा किस टाइम आप ऑडिशन लेंगे, तो वहाँ की टीम आपके देखेगी आके कि सब कुछ फेयर हो रहा है, तो ये सब है। और आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि मतलब जब आप स्टार मेकर के उस मैसेज पे जाते हैं, ठीक है, स्टार मेकर के मैसेज पे जाते हैं, तो यहां पर लिखा है दिस इवेंट विल लास्ट अंटिल 31 मई, यानी 31 मई तक चलेगा। विल होल्ड द ऑफिशियल फाइनल कॉम्पिटिशन ऑन ईच फ्राइडे, मतलब जितने लोग चुने जाएंगे उनका हर फ्राइडे को रात के 8 बजे ये ऑफिशियल जो है वो वेरीफाइड सिंगर का टैग देने के लिए ये लोग कॉम्पिटिशन कराएंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट टू कनेक्ट ए सेलेक्ट रूम ओनर्स वाया इन ऐप मैसेज ऑन 9 मई, यानी अगर जो रजिस्टर कर चुका होगा उसको आज 9 मई को, ये लोग आज ही है ना 9 मई को वो बताएंगे ठीक है आप एलिजिबल हैं और आप अपने रूम में ये कंपटीशन कंडक्ट करवाइए। फिर वो क्या होगा, फिर जो आपको मैंने आगे रूल्स बता दिए हैं, ठीक है, कि गिव योर करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ओनर को अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, नोटिस इन ऐप्स मैसेज, ऐप में ही सारा मैसेज आएगा, सारी आपकी वार्तालाप जो होगी ओनर की और स्टार मेकर की वो आपके एप्लीकेशन में ही होगी। तो गाइज देखो कॉम्पिटिशन अच्छा है, नो डाउट, जिनको अभी वेरीफाइड सिंगर का टैग नहीं मिला है उनके लिए कॉम्पिटिशन अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक ये गड़बड़ी कर दी है कि जो 50% इन्होंने क्वाइन का रख दिया है। 50% गिफ्टिंग का क्या मतलब है, अगर आपको किसी को वेरीफाइड सिंगर का टैग देना है तो आप उसकी सिंगिंग स्किल्स पे दो ना। अगर कोई बंदा ऐसा है जो नया है, उसके अंदर टैलेंट है, वो उसके उसका सब कुछ उसका पूरा है, 5K फॉलोवर्स हैं, उसके स्टार्स भी पूरे हैं, उसके एल्बम भी हैं, उसकी 5 वीडियो रिकॉर्डिंग और आपकी 20 आपकी रिकॉर्डिंग ऐसी ऑडियो सब कुछ है उसके पास, 30 होनी ना टोटल, तो 25 वैसी हैं, तो सारा उसका क्राइटेरिया पूरा है, बट उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है, ना ही वो इतने अच्छे घर से बिलोंग नहीं करता है, तो ये बताइए बेचारे की गिफ्टिंग कहाँ से होगी, कहाँ से होगी उस बेचारे की गिफ्टिंग, जो जिसके पास पैसा नहीं है वो सिंगिंग के बल पे अगर वेरीफाइड सिंगर का टैग चाहता तो फिर कहीं ना कहीं एक बार फिर से पार्शलिटी होने लगी है। इससे अच्छा तो बेटर पहले वाला था कि इंडियन ऑफिशियल्स आपको सेलेक्ट करते थे, जो टैलेंट स्काउट्स थे जैसे अनुष्का मैम है, राम्या मैम है, ये सब रखी गई थी। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको इतने स्टार्स चाहिए या कुछ चाहिए, हाँ वो एक क्राइटेरिया था कि आपको उतना पूरा करना है, वो आप पूरा कर सकते थे किसी पार्टी रूम में गा करके लाइव करके, वो एक स्टार्स आपको दे दिए जाते हैं कि इतना स्टार्स आपके होने चाहिए स्टार मेकर के खुद के आपके अकाउंट पे, तो वो चलो एक क्राइटेरिया है, लेकिन अभी ये पार्टी रूम में आपको इतनी गिफ्टिंग पड़नी चाहिए इसका 50% काउंट होगा, ये तो सरासर मतलब बहुत ही नाइंसाफी है, अच्छे सिंगर्स के साथ एक बार फिर से नाइंसाफी हो रही है। अगर ये कॉम्पिटिशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता और यहाँ पर देखा जाता कि सिंगिंग स्किल्स के आधार पर ही हम आपको सेलेक्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ये जो 50% क्वाइंस का लगा दिया ये बहुत ही बड़ी साजिश है, और कोई क्यों करेगा गिफ्टिंग हमें ये बताओ, विड्रॉ का ऑप्शन आ नहीं रहा है इंडिया में, और किसी को गिफ्टिंग करेगा तो उसको भी कोई फायदा नहीं है, और ये भी कंफर्म नहीं है कि वेरीफाइड सिंगर का टैग मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। हो सकता है जिसको रूम का ओनर आपको रिकमेंड करके दे उसकी पहले से ही मतलब वो ओनर की उससे सेटिंग हो कि भाई हम इसको दे दे रहे हैं, तुम इसको टैग जरूर दे देना, ठीक है हम इसको बाद में गिफ्टिंग कर देंगे। अगर कोई भारी भरकम ओनर है उसकी ऑफिशियल से जान पहचान है बात होती रहती है, तो जाहिर सी बात है ना उसको वेरीफाइड सिंगर का टैग फिर से
मिल जाएगा और फिर कहानी की वहीं रह जाएगी कि अच्छे सिंगर्स फिर कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। गाइस मैंने आज बहुत बोला है बेधड़क बोला है। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि ये मेरी ओरिजिनल आईडी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास वेरीफाइड सिंगर का टैग है और मेरे कुछ फॉलोअर्स 5,60,000 हैं और मैं अभी थोड़ा कम एक्टिव हूँ, लेकिन 5,60,000 मेरे वहाँ पे फॉलोअर्स हैं। अब इतना बोलने के बाद में हो सकता है मुझे सजा दे दी जाए कि मेरा टैग छीन लिया जाए या फिर मेरे जो प्लेज हैं वो कम कर दिए जाएँ। कुछ भी हो सकता है क्योंकि सच बोलने की सजा हर इंसान को दी जाती है, तो मैं हर सजा लेने को तैयार हूँ क्योंकि मेरे को ये है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ और सच बताऊँ और जो चीज़ है उसके जो गलत है उसके खिलाफ बोलूँ। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया और मैं डरती नहीं हूँ। मैंने आपको आईडी दिखा दी है, ये आज का स्क्रीनशॉट है और अगर मेरा टैग जाता है या मेरे प्लेज रुकते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो आप समझ जाएगा कि सच बोलने का कितना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं नहीं डरती हूँ क्योंकि मैं स्टार मेकर में आज भी स्टार मेकर से प्यार करती हूँ, कल भी करूँगी और हमेशा करूँगी क्योंकि उसने बहुत अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया है सिंगिंग का। बट यहाँ पे फेयर चीज़ नहीं हो रही है जो उसने सिंगर्स को बांट रखा है। कोई भी सिंगर्स कैसा भी सिंगर वी टैग लेके घूम रहा है, भले ही गाना आता हो या ना आता हो, उसी जगह अच्छे सिंगर सफ़र कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत रूल है जो कि होता आया है और आगे भी हो रहा है और इस ये जो कॉम्पिटिशन है इसमें भी होने वाला है। तो होप सो कि वीडियो मेरा आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और शायद इसके बाद मैं स्टार मेकर के ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाऊंगी गाइस क्योंकि स्टार मेकर में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। आप भी गाने गाओ, इन्जॉय करो, इसलिए मैं एंटरटेनमेंट वीडियो लाती हूँ। मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ था बट आज मैंने पोस्ट नहीं किया बिकॉज टुडे इज़ मदर्स डे। तो आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत सारी बधाई हो। और वो ऐसा वीडियो है कि वो मदर्स डे पे पोस्ट करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने नहीं करा क्योंकि मैं सभी की माओं का सम्मान करती हूँ। तो कल पोस्ट करूँगी, वो थोड़ा एंटरटेनमेंट का वीडियो कल पोस्ट करूंगी तो उसको भी देखेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।